पास्ता के रेडी हो गया है। बहुत ही इजी था एंड बहुत ही जल्दी बन गया है। गाइस वेलकम बैक टू सोनम। सब कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे हो। रात के 9 बज गए हैं एंड अभी तक मैंने कुछ भी खाना बनाया नहीं है। मैंने अपना डिनर कर लिया है बट अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या बनाऊं। सो लेट्स सी फ्रिज में क्या सब्जी है एंड अकॉर्डिंगली मैं कुछ बना लूंगी। एंड मेरे किचन का हालत भी बहुत ज्यादा मैस होके रखा है। पता है कितने सारे बर्तन है जो मैंने अभी तक धोए नहीं है। देखो बहुत सारे बर्तन है, सो फटाफट से मैं धो लेती हूँ एंड उसके साथ साथ मैं डिनर भी बना लेती हूँ। नॉट डिनर, आई मीन कल के लिए लंच भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने टीवी पे गाना लगा दिया था एंड गाना सुनते सुनते मैं अपने काम पे लग गई थी। काफी सारे बर्तन थे तो मैं फटाक से बर्तन धो रही थी। फाइनली मेरा बर्तन धोना पूरा कंप्लीट हो गया। देखो अभी फटाफट से देखते हैं फ्रिज में क्या क्या है एंड क्या बन सकता है कल के लिए। सो हियर वी हैव लौकी एंड बैगन। मैं सोच रहा हूँ बैगन बना लूं। अरमान का कॉल आ गया तो उससे बात करते करते मैं उस रूम पे चली गई और यहाँ पे जो बैगन में फ्राई कर रही थी वो जल गया। कोई बात नहीं, खा लूंगी। अभी भी है थोड़े से, इतने सारे बैगन अभी भी है जो मैंने फ्राई नहीं किया है। सो आधा जला बैगन और आधा अच्छा बैगन का सब्जी बनाऊंगी मैं। दही बैगन बनके रेडी हो गया है। बहुत ही इजी था एंड बहुत ही जल्दी बन गया है। सो अगर आपके घर पे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होना, अगर दही और बैगन हो तो आप लोग प्लीज ये वाला रेसिपी एक बार ट्राई कर। आई होप आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होगे। एंड हाँ, ये जो डिश है ना, ये स्पेशली अगर स्टीम राइस के साथ खाओगे ना मजा आ जाएगा।
और यहाँ मैंने स्टीम ले लिया था, उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ के आराम की एंड फिर मैं अपना नाइट रूटीन फॉलो कर रही थी, थोड़ा सा स्किन केयर, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। गुड नाइट।